के मुकदमे नंबर 5 के परिषद ने अपने मुकदमे के अर्जी दावे में खुद माना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल किया है। नंबर 2, मुसलमानों के जरिए दिए गए सबूत से ये वादे है कि 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की तीन भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। नंबर 3, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी तस्लीम किया है। नंबर 4, 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामचंद्र की जो मूर्ति रख दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की निगाह में वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो इलीगल था। नंबर 5, बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे की जमीन रामचंद्र चंद्र जी की जाय पैदाइश यानी जन्म स्थान की शक्ल में पूजा किया जाना साबित नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग से वो बता रहे हैं। लिहाजा सूट नंबर 5 के फरीब नंबर 2 जन्म स्थान को रामलला का सूट है, ये रामलला ग्रंथ पर सूट, लिहाजा सूट नंबर 5 के फरीब नंबर 2 जन्म स्थान को डीटी नहीं माना जा सकता। नंबर 6, मुसलमानों के जरिए दायर करदा मुकदमा नंबर 4 मियाद यानी लिमिटेशन के अंदर है और जुजवी तौर से डिग्री किए जाने के लायक है। नंबर 7, सुप्रीम फैसले में यह भी राय थी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के साथ हिंदुस्तान के सेकुलर आइन के खिलाफ था। नंबर 8, डिजाइन इमारत डिस्प्यूटेड साइट डिस्प्यूटेड बिल्डिंग में क्योंकि हिंदू भी सैकड़ों साल से इमारत यानी पूजा करते रहे हैं, इसलिए पूरी डिजाइन जमीन की इमारत पूरी इमारत की जमीन मुकदमा नंबर 5 के करीब नंबर 1 भगवान श्री रामलला को दी जाती है। नंबर 9, चूंकि डिजाइन जमीन मुकदमा नंबर 5 के करीब नंबर 1 को दी गई है, इसलिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मरकजी हुकूमत के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए या तो अक्वायर्ड लैंड अक्वायर्ड 57 एकड़ लैंड में दिया जाएगा या सूबाई हुकूमत के जरिए स्टेट गवर्नमेंट के जरिए अयोध्या में किसी दूसरी अहम प्रॉमिनेंट प्लेस पर दी जाएगा जिस पर वो मस्जिद बना सके। ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 142 है उसका इस्तेमाल करते हुए दिया है, जिसके मुताबिक मशकूरा 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिए जाने का हुक्म साबित किया है। नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात भी तस्लीम की कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मीटिंग में यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग जो है आप सामने रखूंगी। मीटिंग में इस बात पर भी गुफ्तगू हुई कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्तियां रखे जाने के ताल्लुक से एफआईआर और हुकूमत उत्तर प्रदेश डीएम फैजाबाद और एसपी फैजाबाद के जरिए मुकदमा नंबर 1 और 2 में दाखिल जवाब दावा में यह माना जा चुका है कि मस्कुरा मूर्तियां जो आयोजन के अंदर रखे गए थे चोरी से या जबरदस्ती रखी गई थी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 नवंबर 2010 के फैसले में भी मजकूरा मूर्तियों को डीटी नहीं माना था। मजकूरा वाला हालात में आज की मीटिंग में यह महसूस किया गया कि अदालत उस वक्त के मजकूरा वाला फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहमी तजाद है सेल्फ कंट्रडिक्टरी है बल्कि कई नुकतों पर यह फैसला समझ से परे है और पहली नजर में गैर मुनासिब मालूम होता है। मजलिस के अमला खास तौर से 10 दैल बातों पर फॉलोइंग पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं पाता है। नंबर 1, जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जबरन यानी बाय कोर्ट जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को डीटी कैसे मान लिया गया जो हिंदू धर्म शास्त्र के कारण भी डीटी नहीं हो सकती। जब बाबरी मस्जिद से 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया तो किस बुनियाद पर मस्जिद की जमीन मुकदमा नंबर 5 यानी रामलला के मुद्दई नंबर 1 को दे दी गई। नंबर 3, आईन की दफा यानी कॉन्स्टिट्यूशन की
आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मोहसिफ जजोरी इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्त एक्ट 1995 की दफा 104 ए और 51 के मुताबिक मस्जिद की जमीन एक्सचेंज या ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। ये वक्त की जो आर्टिकल पचास लड़की है उसमें किसी मस्जिद की जमीन को न तो एक्सचेंज किया जा सकता है न ट्रांसफर किया जा सकता है, मना किया गया है। तो वक्त एक्ट के दर्ज इस कानूनी किस कानूनी रोल यानी पाबंदी को दस्तूर की दफा 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दीगर फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के और जो फैसले दिए इससे पहले मैं ये बात वादे कर दी है कि दफा 142 यानी आर्टिकल 142 के अख्तियार मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मस्जिद से आपने मस्कुरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मस्कुरा और दीगर अपरेंट एरर होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दाखिल सरकार दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू पिटीशन जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है। ये हमारा आज का स्टेटमेंट है और अब आप रफिया दिलाई साहब इसको और एक्सप्लेन करेंगे फिर आपके सवाल आपके अगर आपके इस पर ही कोई सवाल है तो पूछा जा सकता है जो आपने पढ़ा है। हाँ जी ठहर जाइए दो मिनट अभी ठहर जाइए पहले जिलानी साहब को कहने दीजिए पहले एक मिनट इससे बोले अरे आपका ऑडियो खराब आने दीजिए हमारी आवाज़ तो पहुंचना चाहिए। जो दो फैसले हैं एक फैसला तो ये है कि हम रिव्यू फाइल करेंगे ये बोर्ड ने फैसला कर लिया है। दूसरा फैसला है कि वो जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का डायरेक्शन दिया है उस जमीन को क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका शरई पहलू पहले मैं वाजे कर देना चाहता हूँ मौलाना अपने रहमानी साहब से कि वो इसके शरई पहलू को वाजे करें। आज ऑल इंडिया मुस्लिम रसन ला बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर दो बुनियादी बातें कह रही हैं। एक तो ये कि हम आपसे कोई बात सलीके से कही जा रही है आप समझ ही नहीं रहे। एक तो ये कि हम नंदसानी की अपील दायर करेंगे इसलिए मैं आप लोग आप लोग सुनिए जरूर ध्यान दें आप लोग की जरा एहतियात की आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक फैसला तो ये कि बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में हम नजर सानी की अपील करेंगे उसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसमें एक दूसरे से टकराने वाली बातें लिखी गई हैं और दफा 142 का जो महदूद इख्तियार था उसे लामहदूद तरीके पर इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे प्रेस नोट में लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि 5 एकड़ जमीन लेने की बात कही गई है। हमारा ये कहना है कि मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना दी जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है। हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है कि हम मस्जिद के एवज में कोई और चीज़ कबूल कर लें चाहे वो जमीन हो चाहे वो रकम हो चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज़ दी जाए और ये बात इंसाफ के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है कि किसी जमीन के सिलसिले में जहाँ टाइटल सूट का केस चल रहा हो उसके एवज में किसी फरीक को थोड़ी सी जमीन देकर के कहा जाए कि वो उस पर तैनात कर दे। शरीयत इस्लामी के रूह से हम इस बात के पाबंद हैं
कि हम मस्जिद के सिलसिले में कोई दूसरी जमीन कबूल न करें, इसलिए हमारा ये फैसला है कि वो जमीन जो एवज के तौर पर या पेशकश के तौर पर दी जा रही है 5 एकड़ जमीन, उसे कबूल नहीं किया जाए। जी आप कुछ पूछ रहे हैं सवाल? एक एक करके जी बताइए। देखिए मशवरा तो अखबार में छपा है, तो उन्होंने कहा है चेयरमैन साहब ने कि हम अरसल्ला बोर्ड की राय का एहतराम करेंगे, वो तो उनके अखबार में छपा गया है। दूसरे बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी हुआ। सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रेपंजू के बच्चे से दाखिल किया जाए, तो ये रेपंजू के बच्चे में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने सबमिट किया था, और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था, इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया। और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है, और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो और वक्फ़ैत के खिलाफ। हमने वक्फ़ैत की निशानदेही की है कि वक्फ़ैत के तहत ही वो एक्सचेंज नहीं कर सकते।